रैयत विस्थापित मोर्चा ने की बैठक, आंदोलन की समीक्षा कर तय की गई रणनीति। रैयत विस्थापित मोर्चा केंद्रीय समिति द्वारा रामगढ़ के टायर मोड़ स्थित होटल सैनी में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता रैयत विस्थापित मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष फागु बेसरा व संचालन केंद्रीय महासचिव सैनाब गंजू के द्वारा किया गया। आयोजित बैठक में विस्थापितों के अधिकार को लेकर रैयत विस्थापित मोर्चा के द्वारा किए गए आंदोलन की समीक्षा की गई एवं समीक्षा कर आंदोलन की रणनीति तय की गई। आयोजित बैठक में कोल इंडिया व टिस्को प्रबंधन के साथ किए गए वार्ता के निर्णय की जानकारी दी गई। साथ ही विस्थापितों के हक और अधिकार को लेकर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया। मांडू से ललन राज की रिपोर्ट। भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है, खास करके कोयला उद्योग के लिए कोल इंडिया को समाप्त करने के लिए, कोल इंडिया के निजीकरण को लेकर के, न्यूजीलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है। इसका विरोध करते हैं और मजदूरों के द्वारा, मजदूर संगठन के द्वारा जो विरोध स्वरूप जो 16 अप्रैल को पूरे राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन का जो आह्वान किया गया है, वो रैयत विस्थापित मोर्चा तमाम विस्थापित लोग, ये जो मजदूरों के द्वारा जो अहूत आंदोलन है, उस आंदोलन में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, हम लोग समर्थन करेंगे। देखिए, यहाँ इस देश को, एक देश संविधान से चल रहा है, यहाँ कानून का नियम का वायलेशन हो रहा है। प्रदूषण के सवाल पर हो, चाहे सेफ्टी का सवाल पर हो, चाहे ओवरलोडिंग के सवाल पर, उसके देखने के लिए इंस्पेक्टर नियुक्त है, डीजीएमएस नियुक्त है, प्रदूषण बोर्ड है, ओवर डीटीओ है। तो ये तमाम सरकार के एजेंसी क्यों है, किस लिए है? ये लोग खाली कमीशन लेकर के खाली अवैध काम, अवैध जमीन लूटो, मजदूरों का, किसानों का शोषण करो, उसके लिए तो नहीं है। सारा चीज को देखने के लिए सरकार की तरफ से यहाँ एजेंसी बनाया गया है। प्रदूषण के सवाल पर, ओवरलोड के सवाल पर ये लोग क्या कर रहे हैं, डीटीओ क्या कर रहे हैं, रैयत इसमें क्या करेंगे? रैयत तो हम लोग तो उजड़े हुए लोग हैं, अधिकार बना है देने के लिए, लेकिन हम लोग को नहीं, उसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, सब कंपनी को फाइन हो गया, किसी को होश नहीं। सीसीएल भी है, टिस्को भी है, लीज से बाहर माइनिंग करने का आरोप है, आपका प्रदूषण फैलाने का आरोप है, ओवरलोडिंग का आरोप है। यहाँ तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना, एक्ट का अवहेलना, सारा चीज हो रहा है, खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। और हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, और रैयत तो हम लोग अधिकार के लड़ ही रहे हैं, जरूरत होगा तो आंदोलन करेंगे, तो फिर बोलेगा सरकार या आप ही लोग बोलेगा कि लोग कानून को अपने हाथ में ले रहा है। हम लोग तो आंदोलन कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं।